गृहस्थ जीवन वाले व्यक्ति अपने घर में किस दिशा में मंदिर को बनाएं और किस दिशा में बैठकर के पूजन करें एवं कितने उंगली की मूर्ति रख सकते हैं, तब जाकर के आपको पूजा से लाभ प्राप्त होगा। आइए जानते हैं इस विषय में विशेष रूप से आचार्य राजेंद्र त्रिवेदी शास्त्री राजगढ़ झांसी वालों के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सर्वा बाधा परिमुक्तो धनधान सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेना भविष्यति न संशयः। नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं आचार्य राजेंद्र त्रिवेदी शास्त्री राजगढ़ झांसी। आइए हम लोग चर्चा करते हैं आज एक ऐसे विषय पर। हम लोग मकान बनाते हैं, लेकिन उस मकान में भगवान का जो मंदिर है वह बनाना कितना आवश्यक है और किस दिशा में मंदिर को रखें या मंदिर बनवाएं, पूजन किस दिशा में बैठ करके करना चाहिए, या हम लोग गृहस्थ जीवन में रहने वाले व्यक्ति कितने अंगुल की मूर्ति अपने घर पर रख सकते हैं, इन पहलुओं पर चर्चा करेंगे। शास्त्रों की मान्यता है कि आप चार अंगुल की मूर्ति ही अष्ट धातु की घर में रख सकते हैं और उन्हीं की आप पूजा करेंगे तो आपको कभी भी प्रतिफल फल प्राप्त नहीं होगा, आपको उसका विशेष लाभ प्राप्त होगा। यदि आप चार अंगुल से ऊपर की मूर्ति घर में रखने का क्रम विधान नहीं है, वो तो फिर मंदिर इत्यादि जगह पर ही होना चाहिए। चाहे राधा कृष्ण हो, भगवान श्री राम जानकी, लक्ष्मी नारायण, भगवान शिव या कोई भी देवी, तो आप चार अंगुल तक ही मूर्ति को घर में रखें, आपके लिए श्रेष्ठ उत्तम रहेगा। दूसरी बात, आपका जो भी मंदिर है वह पूर्व दिशा में हो, जिसका मुख पश्चिम हो और पूजा करने वाले व्यक्ति का मुख पूरब की ओर हो जाए तो आपको विशेष लाभ प्रदान करने वाला होता है। अथवा उत्तर की ओर मुख करके ही बैठें तो आपके लिए पूजा का फल प्राप्त होता है। कभी भी आप मंदिर को जीना इत्यादि के नीचे नहीं बनाएं, ना ही लेटरिंग बाथरूम के पास में, क्योंकि जीना की सीढ़ियों से लोग बाग ऊपर निकलते हैं, भगवान नीचे रहते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि एक अलग, चाहे छोटी जगह हो या बड़ी जगह हो, नितांत एकांत और अलग ही या किचन के पास में मंदिर को बनाएं तो आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम कारक रहेगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ वृंदवासिनी। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राधे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।